अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, उठकर फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ और आज जो है वो मैं अपनी दोनों भाई के दूंगा, क्योंकि जो है बारिश की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, क्योंकि पानी भर जाता है। तो फिर इस वजह से जो उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ चुपक चुकी है। तो फिर इस वजह से जो आज हम अपनी दोनों भाई के धोएंगे, 70 भी धोएंगे और 125 भी धोएंगे। तो अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ दुकान पर, तो फिर अभी हम आपसे जो दुकान पर मिलते हैं। जो है वो मैं दुकान पर आ चुका हूँ और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है और काले काले से जो है बादल भी आए हुए हैं, हो सकते हैं कि जो है अभी बारिश भी हो जाए। तो फिर अभी हम आपसे जो है घर पर मिलेंगे। तो मैं जो हूँ इस वक्त घर पर आ चुका हूँ और पहले जो हम खाना खा लेते हैं और फिर चल के जो अपनी बाइकें धोते हैं। तो हमारे खाने में है आज कबूली अचार और इसके साथ जो है वो है रायता। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपना खाना खाते हैं और फिर चल के जो है अपनी बाइकें धोते हैं। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों को बाइक की कंडीशन दिखा देता हूँ कि बारिशों के अंदर जो है बाइक की हालत जो है क्या हो जाती है। तकरीबन 4 से 5 चक्कर जो है ये बाहर गई है और इतने में जो है इसके टायर वगैरह सब कुछ गंदे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ये गंदी हो रही है, इनके रिमों पे जो है वो बिल्कुल जंग लग चुका है। और अभी फिर आप लोगों को जो है मैं दूसरी बाइक भी जो दिखाता हूँ और आप लोग इस साइड से देख लें कितनी गंदी हो रही है। अभी ये जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और ये हमारी 70 देख लें, ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है बाइक है हमारे घर की, इस पर ही जो है ज़्यादातर सारे काम होते हैं। लेकिन 125 भी गंदी हो गई है क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो भी निकल रही थी और ये बहुत ज़्यादा जो है गंदी है। तो इसको भी हम धोते हैं और फिर इसका जो है चेन का ला के जो है इसके अंदर फिट कर देंगे जब ये पूरी अच्छी तरीके से धुल जाएगी। और फिर अभी जो है मैं ऐसम को बुला लेता हूँ और फिर हम दोनों जो है अपनी दोनों भाई के धोना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऐसम को मैंने बुला लिया और इसने बाइक धोना जो है वो स्टार्ट कर दी है और मैंने हाथ में जो है अपने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो मैं जो है इसकी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बाइक धो रहा है। इसको जो है धोना वगैरह तो नहीं आती है, ये बोल रहा था कि पहले मैं धो लेता हूँ थोड़ी बहुत पर उसके बाद बाकी जो है वो तेरे को धोनी है। तो फिर अभी आप लोग देखें किस तरीके से जो है धो रहा है। सिर्फ जो है अभी ये पानी मारेगा, बाकी काम जो है मैं करूँगा और फिर इस पर जो है अभी हमें शैम्पू वगैरह भी जो है लगाना है और फिर इसके रिमो का जो है जंग भी जो है वो उतारना है। तो भाई ये बाइक जो है मैंने धो के बिल्कुल रेडी कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर अब जो है वो 70 की बारी है। 70 जो मैंने धोने वाली जगह पर जो है खड़ी कर दी है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई है पहले और उसके बाद धोने के बाद जो हमने इसके ऊपर सुखा के बिल्कुल जो है पॉलिश भी लगा दी है ताकि जो है इसके ऊपर एक थोड़ी बहुत जो है वो शाइन सी आ जाए। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो है साफ़ हो चुकी है और अब जो है हम इसको अंदर खड़ी करेंगे ताकि जो है ये दोबारा से जो है गंदी ना हो जाए बारिश के अंदर। और 70 को धोना जो है हम स्टार्ट करते हैं अभी और फिर जैसी धुल जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारी 70 जो है वो बिल्कुल धुल चुकी है और इसमें जो एसन ने मेरी कोई मदद नहीं करवाई है, ये पूरी की पूरी जो है मैंने धोई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके रिम जो है वो बिल्कुल कितने ज़्यादा साफ़ हो चुके हैं और हमने जो है इसको स्टार्ट करके भी चेक कर लिया है कि ये स्टार्ट हो रही है बिल्कुल ठीक है इस वक्त या अभी, वरना जो है साइलेंसर के अंदर कभी कभार जो है पानी भी चला जाता है। अभी जो है ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो फिर अभी हम आपसे जो है थोड़ी तो हमारी जो है वो बाइकें वगैरह जो है वो धुल चुकी हैं और उसके बाद जो है मैं नहाने चला गया। तो अभी जो है मैं आ चुका हूँ दुकान पर। तो फिर अभी जो है भैया पता नहीं कौन है टक टक कर रहा, आप लोगों को जो है वीडियो के अंदर आवाज़ आ रही होगी। तो फिर अभी हम आपसे जब घर पर मिलेंगे। तो मैं जो इस वक्त आ चुका हूँ दुकान से और रेशम जो है वो पता नहीं क्या कर रहा है, चादर के अंदर घुस के पता नहीं क्या कर रहा है, लेटा हुआ है फ़ोन चला रहा है। अभी हम ऐसन को भी देखते हैं और फिर हम चलते हैं खाना खाने। क्या कर रहा है भाई? ये देखो ये पता नहीं क्या कर रहा है। हमारा जो ये खाना आ चुका है और हमारे खाने में है बीफ निहारी और नान। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपना खाना खाते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
और निहारी जो है वो भाई हमने खा ली है, और उसके बाद जो है हमारी खीर आ चुकी है। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपनी खीर वगैरह खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने जो है वो खाना वगैरह खा लिया है, और अभी हम करते हैं ब्लॉग को एंड। तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर करवाएँ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।